हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग सीखने वाले यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे क्रिएट करना है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्रिएट करने के लिए आपको फाइल में जाना है और वहाँ पे ओपन ऑप्शन है तो उसके ऊपर क्लिक करना है। उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। सो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। आपको जहाँ जिसके फ़ोटो पे जो फ़ोटो के ऊपर आपको पासपोर्ट साइज़ अप्लाई करना है वो फ़ोटो आपको यहाँ पे ओपन करना है। सो मैं यहाँ पे ये फ़ोटो अप्लाई कर रही हूँ, ओपन कर दिया मैंने यहाँ पे। आपको क्या करना है, अभी जो हम लोग पासपोर्ट साइज़ बनाएंगे तो हर बार हम लोग वो एक्शंस करते नहीं बैठेंगे। सो उसको हम लोग वो रिकॉर्ड करते बैठेंगे, रिकॉर्ड करना है आपको। सो रिकॉर्ड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, विंडो में जाना है, यहाँ पे एक्शंस पे क्लिक करना है। उसका शॉर्टकट की है अल्ट F9। सो अल्ट F9 के बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्शंस का ऑप्शन जो पैनल है वो ऑन हो गया है। अभी ये पैनल में आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट थिंग तो आपको यहाँ पे पहले एक सेट बनाना पड़ेगा। मतलब अगर जो पासपोर्ट साइज़ का सेट होता है जहाँ पे आपको 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ मिलते हैं, या फिर एक पूरा सेट जहाँ पे आपको पूरा 24 कॉपीज़ मिलते हैं, तो आपको कौन सा सेट बनाना है पहले आप उसको सेट कर देना। सो यहाँ पे मैं न्यू सेट के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, और कौन सा सेट बना रहे हैं आप यहाँ पे उसको नाम लिख देना। तो मैंने PP करके डाल दिया पासपोर्ट। सो ओके। अभी उसके लिए हम लोग को पासपोर्ट के लिए जो भी एक्शंस लगेगा सो हम लोग को वो रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करने के लिए आपको कहाँ पे जाके क्लिक करना है, यहाँ पे क्रिएट न्यू एक्शन पे जाके क्लिक करना है। न्यू एक्शन पे जाके क्लिक करने के बाद वो एक्शन को कुछ नाम देना रहेगा आपको, तो दे सकते हैं या फिर Action 1 करके भी रख सकते हैं। उसके बाद जो हम लोग एक्शन उसको अप्लाई करने वाले हैं फंक्शन की, सो वो फंक्शंस की आपको यहाँ पे दिखेगा। सो आप F2 से लेके F12 तक कोई भी एक्शन की दे सकते हैं फंक्शन की। सो फंक्शन की में आपको जो असाइन करना है उसको सिलेक्ट करो। सो मैं यहाँ पे दे रही हूँ F6। अगर आपको शिफ्ट F6 देना है तो शिफ्ट को आप ऑन कर सकते हैं। अगर आपको कंट्रोल F6 करके देना है तो कंट्रोल F6 दे सकते हैं। अगर नहीं देना है नो इशू, आप डायरेक्टली F6 पे अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी रिकॉर्ड स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे जो रेड बटन दिख रहा है आपको इसका मतलब है आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। जो भी आप एक्शन दोगे वो सब रिकॉर्ड होते जाएगा स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट थिंग, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्रिएट करने के लिए फ़ोटो को क्रॉप करना ज़रूरी है। क्रॉप करने के लिए आपको जाना है क्रॉप टूल पे। सो क्रॉप टूल यहाँ पे है, उसका शॉर्टकट की C। सिलेक्ट करो। अभी जो क्रॉप टूल करने के बाद जो एक्चुअली पासपोर्ट साइज़ का जो साइज़ होता है 1.3 बाय 1.8 इंचज़ में, तो उसको आपको पहले सेट करना होगा। ऊपर प्रॉपर्टी बार में आपको विड्थ एंड हाइट दिया है, सो 1.3 इंचेस बाय 1.8 इंचेस। ओके, एंटर। अभी ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में जा रहा है तो मैं इसको रोटेट कर देती हूँ। यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में ऑप्शन है इसको रोटेट करने के लिए। अभी आपको इमेज को प्रॉपर सेंटर में सेट करना होगा। उसके लिए फर्स्ट सेट हो गया है, अभी आपको करना है एंटर। ओके, एंटर हो गया है यहाँ पे। सो नाउ मूव टूल मैंने सेलेक्ट करके रखा है ताकि वो क्रॉप का इफेक्ट निकल जाए। सो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे उसको स्ट्रोक अप्लाई करना होगा। जो बॉर्डर में आपको पासपोर्ट साइज में जो स्ट्रोक दिखाई देता है वो स्ट्रोक अप्लाई करना है। स्ट्रोक अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल ए सिलेक्ट करना है, या फिर आप जा सकते हो सिलेक्ट में और यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, एडिट में जाके स्ट्रोक, ओके, स्ट्रोक का विड्थ कितना होना चाहिए। अभी यहाँ पे 3 पिक्सल्स है, आप 2 पिक्सल्स भी रख सकते हैं। इनसाइड में चाहिए, सेंटर में चाहिए, अदर आउटसाइड में चाहिए। सो मैं यहाँ पे रख रही हूँ इनसाइड, ताकि जो सिलेक्शन है उसके इनसाइड में ही आ जाए। तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। बॉर्डर का कलर जो होना चाहिए स्ट्रोक कलर, वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो बॉर्डर का कलर मोस्ट ऑफ द ब्लैक होता है तो मैंने ब्लैक रखा है यहाँ पे। ओके, अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, डिसलेक्ट करना है। मतलब जो मैंने सिलेक्शन किया है उसको डिसलेक्ट करना है, तो आप सिलेक्ट में जाके भी डिसलेक्ट कर सकते हैं। सो कॉर्नर में आ गया उसका बॉर्डर। अभी जो ये इमेज है, इमेज का जो पीछे का कैनवास साइज होता है, मतलब जो उसका कैनवास पेपर होता है वाइट कलर का या ब्लैक कलर का जो भी है, सो आपको उसका पहले साइज़ इंक्रीज करना होगा। हम लोग जब भी पासपोर्ट साइज़ देखते हैं तो बॉर्डर के साइड में एक वाइट पेपर तो होता ही है, तो वो सेट करना है अपने को। अभी तो वो सेट करने के लिए आपको क्या करना है, इमेज में जाना है। इमेज में जाके कैनवास साइज़ में जाना है यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो उसका इंचेस है साइज़ है वो
यूनिट है ना वो आपको इंचेस में ही रखना है, और उसका जो विड्थ है वो आपको रखना है यहाँ पे 1.5, और उसका हाइट आपको रखना है 2। ओके, और वो जो हम लोगों ने अभी जो साइज़ मेंटेन मेंशन किया है यहाँ पे हाइट एंड विड्थ, तो वो ऑल साइड से इंक्रीज होना चाहिए, लेफ्ट राइट बॉटम एंड टॉप। सो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया है, ये हो गया है इंक्रीज। अब आपको क्या करना है, ये जो मैंने अभी आपको क्या करना है यहाँ पे, ये जो इमेज सेट किया गया है उसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करना है, या फिर सेलेक्ट में जाके सेलेक्ट करो और उसको कॉपी करो, एडिट में जाके कॉपी। अब इस ये कॉपी हो चुका है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इसको ये पासपोर्ट साइज़ जो फ्रेम में अप्लाई होता है लाइक 4x6 पेज पे अप्लाई होना चाहिए ये। ओके, जो 8 पासपोर्ट साइज़ बनता है तो उसके लिए इसका कैनवास साइज़ जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। सो इमेज में जाके कैनवास साइज़, तो कैनवास साइज में जाके आपको क्या करना है यहाँ पे, उसका विड्थ है 6 और उसका हाइट है 4। ओके ओके करने के बाद ये आएगा आपका आउटपुट, ये हो गया कैनवास साइज़ इंक्रीज कर दिया है मैंने। अब ये कैनवास साइज़ के बीच में जो फ़ोटो अप्लाई हुआ है वो वहाँ पे आपको फिल कलर अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब जो भी बैकग्राउंड कलर आपको देना रहेगा वाइट, तो मैं वहाँ पे वाइट कलर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, एडिट में जाना है और यहाँ पे फिल पे क्लिक करना है, शिफ्ट F5। ओके, बैकग्राउंड कलर देना है यहाँ पे, मतलब आपके बैकग्राउंड कलर में जो कलर शो रहेगा, भाई यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पे वाइट कलर अप्लाई हुआ है, सो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे ओके कर रही हूँ, तो पूरे पेज पे वाइट कलर अप्लाई हो गया। और जो इमेज आपने सेलेक्ट करके कॉपी किया था उसको यहाँ पे आके आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। सो एडिट में जाके पेस्ट, और इसको मैं सेट कर रही हूँ पर एक कॉर्नर में। अब इसी के मुझे डुप्लीकेट्स क्रिएट करके इसको पासपोर्ट साइज़ में पासपोर्ट में कन्वर्ट करना है। अभी कैसे, इसको डुप्लीकेट करने के लिए लेयर में जाना है, न्यू में जाना है, लेयर या कॉपी, ये हो गया उसका कॉपी। मूव टूल से उसको मूव करके देख सकते हैं आप। ओके, अब इन दोनों इमेजेस का अगेन आपको कॉपी करना है, सो दोनों को सिलेक्ट करो कंट्रोल से। अभी लेयर वन कॉपी सिलेक्टेड है, अभी लेयर वन को सिलेक्ट करने के लिए मैंने कंट्रोल प्रेस किया है और यहाँ पे क्लिक से उसको सिलेक्ट कर लिया, तो अगेन मैं लेयर में जाके न्यू और लेयर या कॉपी, आप शॉर्टकट की भी दे सकते हो कंट्रोल जे डायरेक्टली। नाउ अभी मैंने यहाँ पे लेयर वन सिलेक्ट कर लिया है, लेयर वन से लेके अभी जो लेयर वन कॉपी 3 है उधर तक सिलेक्ट करना है, तो शिफ्ट की प्रेस करें और क्लिक करना है लास्ट में जो फर्स्ट लेयर है, तो चारों लेयर जो लेयर्स है वो सिलेक्ट हो गया है और उसको मैं कंट्रोल जे से डुप्लीकेट कर रही हूँ, कंट्रोल जे, और उसको मूव टूल से मूव करना है डाउन साइड में अभी। ओके, ये हो गया है पासपोर्ट साइज रेडी। बट इसके आगे आपको पहले इसको मर्ज करना होगा, मर्ज करने के बाद इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप करना है। सो मर्ज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लेयर में जाना है और यहाँ पे देखो मर्ज विजिबल करके ऑप्शन है, शिफ्ट कंट्रोल ई, यहाँ पे जितने भी लेयर्स विजिबल है जो यहाँ पे दिख रहे हैं सो इन सबको मर्ज करना है। सो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ई से आप मर्ज कर सकते हो, ये हो गया है मर्ज। अब आपने जो अब यहाँ पे जो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था तो उसको पॉज करना है, स्टॉप करना है यहाँ पे, तो एक्शंस में जाना है, यहाँ पे पैनल में जाना है और यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग देना। ओके, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुका है। दूसरा इमेज कोई भी जिसके ऊपर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो ओपन करना है, उसके पहले ओपन करने से पहले आपको क्या करना है, ये जो हम लोगों ने एक्शन क्रिएट किया है वो एक्शन पे या जो क्रॉप ऑप्शन है उधर जाके सिर्फ आपको क्लिक करना है, और उसके बाद जिसके ऊपर आपको अप्लाई करना है वो फ़ोटो ओपन करें। सो कंट्रोल ओ, यहाँ पे भी मुझे एक पर्टिकुलर इमेज मिले, मैं अभी इसकी इमेज पे अप्लाई कर देती हूँ। अभी मैंने जो फंक्शन की दिया था वो था F6, सो ये हो गया F6 से अप्लाई क्रॉप टूल। अभी आपको क्या करना है, प्रॉपर सेट करना है इमेज को। ओके, ये मैंने सेट कर दिया इसको सेंटर में, एंटर। ओके, ये देखो अभी यहाँ पे पूरा पासपोर्ट साइज फ़ोटो क्रिएट हो गया है। तो इस तरीके से आपको पूरा एक्शन रिकॉर्ड करके उसको स्टॉप करके फिर आप एक्शन अप्लाई कर सकते हो कभी भी। ओके, थैंक यू।